45 दिन में पैसा देना जरूरी है, नहीं तो भरने पड़ सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। हेलो एवरीवन, दिस साइड सीए वदीप सिंह, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमएसएमई के बारे में, जो हर जगह से सुनने में आ रहा है एमएसएमई। आखिर चीज क्या है एमएसएमई, के बेनिफिट्स क्या है, और कौन कौन से बिजनेसेस एलिजिबल है एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे एमएसएमई की फुल फॉर्म के बारे में। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो मतलब अगर आपकी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ है, और अगर आपकी टर्नओवर कंपनी की पिछले साल की अप टू 5 करोड़ है, तो आपकी कंपनी क्वालिफाई होगी माइक्रो एंटरप्राइज के लिए। स्मॉल मतलब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, और टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है, तो आपकी कंपनी क्वालिफाई होगी एज अ स्मॉल एंटरप्राइज। और लास्ट मीडियम, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 से 20 करोड़ के बीच में है, और टर्नओवर 50 से 100 करोड़ के बीच में है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है, जो 50% लोगों का डाउट क्लियर करेगा, वो ये है कि बिजनेस किस चीज का है। या तो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या सर्विस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, तो ही आप इन लिमिट्स में आएंगे, और तो ही आप क्वालिफाई हो सकते हो एमएसएमई के लिए। मतलब अगर आपका ट्रेडिंग एंटरप्राइज है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप क्वालिफाई नहीं हो सकते एमएसएमई के लिए। अब ये रूल मेरे को थोड़ा हार्श लगा गवर्नमेंट का। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग को भी देना चाहिए थी राहत। ट्रेडिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में, ट्रेडिंग बहुत लोग करते हैं। अब गवर्नमेंट ने, निर्मला सीतारमन जी ने ये क्लेरिफिकेशन दी कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट की इतनी जरूरत नहीं होती, इसलिए एमएसएमई में हम रजिस्ट्रेशन करा के उनको बेनिफिट्स नहीं दे सकते। तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है। कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रेडिंग में सिर्फ 50 पैसे, नॉट इवन 1 रुपी का मार्जिन रख के आगे माल बेच दिया जाता है, इतना स्टॉक रखा जाता है, तो उस स्टॉक कभी ऑब्सोलीट हो जाता है, कभी नुकसान भरना पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग बिजनेस में पैसा नहीं लगता, ट्रेडिंग बिजनेस में भी बहुत पैसा लगता है। और अगर आपको था तो ट्रेडिंग इंडस्ट्री को अप टू 100 करोड़ का बेनिफिट ना दे के अप टू 10 करोड़ तक का बेनिफिट दे देते, बट बेनिफिट देना बहुत जरूरी था इस इंडस्ट्री को। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि एमएसएमई के आखिर बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल का। मतलब अगर आप काम कर रहे हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, एंड आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, तो आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एप्लीकेशन लिखिए कि मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूँ, तो आपको जरूर छूट दी जाएगी बाय द बोर्ड इन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट इसका, जो मेन हाईलाइट ऑफ दी हाईलाइट रहा है इस बजट का, 20 लाख करोड़ के बजट का, वो है कोलेटरल फ्री लोन्स। मतलब जो मैंने पहले भी कहा था, ये एक्सपेक्टेड है कि ये चीज आएगी, और वो चीज अब आ भी चुकी है कि गारंटी गवर्नमेंट देगी आपकी, और लोन बैंक आपको देगा। मतलब आपको गारंटी या आपको रखवाने के लिए कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, और आपको लोन मिल सकता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में 1% पर एनम की छूट दी गई है, 50% डिस्काउंट दिया गया है ट्रेडमार्क और पेटेंट्स को करवाने के लिए। टेंडर्स स्पेसिफाई कर दिए गए हैं कि काफी सारे टेंडर्स तो एमएसएमई को ही मिलेंगे, नॉर्मल बंदों को नहीं मिलेंगे, एंड एक लिमिट लगा दी गई है, क्योंकि आत्मनिर्भर कंसेप्ट पे अब चलेंगी इंडिया, तो एक लिमिट लगा दी गई है कि 200 करोड़ तक के टेंडर्स को अप्लाई नहीं कर सकती कोई भी ग्लोबल कंपनी। और एक और की बेनिफिट इसका ये है कि 45 दिन के अंदर गवर्नमेंट के जितने भी ड्यूज है टूवर्ड्स एमएसएमई वो अपने दे देंगे, ताकि एक लिक्विडिटी क्रंच ना रहे एमएसएमई के पास। दूसरा जो मुझे इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज लगता है, वो ये भी है कि अगर आप एमएसएमई हो और अगर आपके साथ कोई भी बिजनेस कर रहा है, तो वो आपकी पेमेंट 45 दिन के से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं सर्विस इंडस्ट्री हूँ, और मैं सर्विसेज देता हूँ, और मैंने कुछ सर्विसेज दी, और मैंने अपना इन्वॉइस काटा 1 जनवरी को, तो जिस कंपनी को मैंने इन्वॉइस काटा, उस कंपनी को मुझे 45 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ माय सर्विसेज और डेट ऑफ माय इन्वॉइस
मुझे पैसा देना पड़ेगा, इसका मेरे साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि वो मेरी पेमेंट 45 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो इसके बहुत स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है। गवर्नमेंट ने बहुत क्लेरिफाई कर दिया इस चीज को कि एमएसएमई का धंधा मत रोको और एमएसएमई को कोई भी हरास नहीं करेगा। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस। लिक्विडिटी क्रंच नहीं रहेगा, पैसे नहीं रुकेंगे तो बिजनेस करने में मजा आएगा। लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगा मैं आपको कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन जरूर ले। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एमएसएमई का कोई नुकसान नहीं है। अगर आप ये बेनिफिट्स अवेल ना भी कर पाए तो इसका एटलीस्ट कोई नुकसान नहीं है और इसकी कोई रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपने कंसल्टेंट को बोलिए कि आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाए। तो यही सब कुछ ब्रीफ था एक एमएसएमई के बारे में। होप आपको अब समझ आ गया होगा और आप लिंक कर पाओगे कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो सकते हो या नहीं हो सकते, आपका बिजनेस आ सकता है या नहीं आ सकता और क्या बेनिफिट्स है अगर आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको शेयर करना मत भूलना। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोस लाइक दिस डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर।